अगर आप कर रहे हैं NISC, DLED, CTET, UPTET या किसी TET एग्जाम की तैयारी, तो अब आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म Unacademy पे फॉलो कर सकते हैं और जितने भी हमारे शॉर्ट नोट्स कंसेप्चुअल डिस्कशन है उसका फायदा उठा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है और दोस्तों Unacademy लर्निंग ऐप को आप अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें ताकि बेहतरीन नोटिफिकेशन और अच्छे से कोर्स को आप देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। लेटेस्ट अपडेट बता दूं कि अब आप यहां आपका यहां पर 506 का ब्लॉक 2 शुरू हो गया है, जिसका कि 5 कोर्स ऑलरेडी डाला जा चुका है, 5 लेसन, तो उस लेसन को आप जरूर देख लीजिए, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है, और जाके सारे वीडियो पे कमेंट करिए। साथ ही साथ 507 और 506 दोनों का ब्लॉक 1 अभी चल रहा है, 506 का ब्लॉक 1 कंप्लीट हो गया है, 507 का ब्लॉक 1 में अभी एक कुछ और लेसंस आएंगे। तो दोस्तों यहां पर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आप लोगों की यहां पर NIS से DLED को लेकर, तो आप ये नोटिस में काफी दिनों से खोज रहा था, जो कि एक स्टेट से नोटिस आई है, पटना से नोटिस आई है, जहां पर कहा जा रहा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि DLED प्रशिक्षण के अंतर्गत विभिन्न गतिविधि आयोजित किया जा रहा है, यथा PCP, TMA, SBA, प्रैक्टिस टीचिंग, सत्रीय परीक्षा एवं मूल्यांकन आदि गतिविधियों का सफलतापूर्वक संपादन के लिए बड़े स्तर पर मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। ज्ञातव्य हो कि देश स्तर पर RTE एक्ट 2009 के तहत 31 मार्च 2019 तक सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है। तो आप लोग जानते हैं इतनी बात कि 31 मार्च तक आपको प्रशिक्षित होना है और PCP, TMA, SBA, प्रैक्टिस टीचिंग और जो आपका एग्जाम्स है ये सारा कुछ चल रहा है। प्रायः ऐसी सूचना विभिन्न संसाधन सेवियों एवं अन्य मानव संसाधन से प्राप्त होती है कि ससमय उनके प्रधानाध्यापक प्राचार्य द्वारा संबंधित कार्य हेतु विरमित नहीं किया जाता है एवं उनके उपस्थिति पंजी पर CL अंकित कर दिया जाता है। तो ऐसी सूचना आती है कि जो भी यहाँ पर मानव संसाधन सेवी या अन्य मानव संसाधन जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको यहाँ पर विद्यालय से CL नहीं मिलता है, मतलब विद्यालय से विरमित नहीं किया जाता है, CL डाल दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न गतिविधियों हेतु समयावधि में विभाग द्वारा विरमन हेतु निर्देश पत्र भी निर्गत किया गया है। ये निर्देश पत्र हमने आपको पहले दिखाया भी था। आपके द्वारा ससमय विरमन नहीं किए जाने से के कारण कार्यों को सफलतापूर्वक संचालन में बाधा हो रही है, उक्त कार्यक्रम की सफलता हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है, अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि DLED प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिनियुक्त मानव संसाधन सेवारत प्रशिक्षु शिक्षकों को, मतलब जो भी लोग अनट्रेन टीचर हैं उनको और जो भी लोग वहां पर कोऑर्डिनेटर्स में हैं या किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं उनको ससमय विरमित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उपयुक्त का अनुपालन ना होने की स्थिति में प्रशिक्षण कार्य में उत्पन्न बाधा के लिए आप स्वयं जवाबदेह होंगे। केंद्र समन्वयक द्वारा अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर विद्यालय द्वारा भुगतान किया जाएगा, साथ ही विषय अंकित कार्यक्रम में भाग लेने एवं परीक्षा में भाग लेने की अवधि को कार्य अवधि माना जाएगा। तो जितने भी समय आप लोग यहाँ पर PCP क्लासेस पे एग्जाम में कहीं पर भी दे रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, प्राइवेट स्कूल से आते हैं, आपको उस समय में स्कूल से विरमित किया जाएगा और आपको उपस्थित माना जाएगा, कार्य अवधि में वो काउंट होगा, वो CL में काउंट नहीं होगा। तो अगर आपसे इस तरीके की चीज़ हो रही है तो आप जरूर वहाँ पर कॉन्टैक्ट करें, और एक भी दिन का आपका ना तो वेतन कटना चाहिए ना तो CL होना चाहिए, ये सारा कुछ ऑफिशियली है, और इस पर क्लेम हो जाने के बाद जो भी विरमित नहीं कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम भी आ जाएगी। तो आप जरूर उनसे बात करें और योर ऑनलाइन पार्टनर पर यह नोटिस जरूर दिखाएं। इससे पहले भी जब यहाँ पर विरमित करने की नोटिस आई थी तो वो भी हमने दिखाई थी, बताई थी आप लोगों को, तो जरूर आप लोग जो है इस चीज़ में अपने पक्ष में जरूर जो है बात करिए और आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, योर ऑनलाइन पार्टनर उसके लिए हमेशा सतत प्रयासरत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आप लोगों को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली वंस अगेन। अभी थोड़ा पहले से ही मैं आपको हैप्पी दिवाली दे रहा हूँ, आपके परिवार में सुख संपत्ति इसी तरीके से आते रहे और आप बिल्कुल सेफ दिवाली मनाएं और लोगों में प्यार बांटें, लोगों की मदद करें, यही मेरी आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते रहेंगे हम आपसे नई वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं योर ऑनलाइन पार्टनर पर तो इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, वहां से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नई वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।